Good morning, student. I am Kavita Sonia, your English teacher from Sardar Patel Public School. Student, हम लोग मॉडल पढ़ रहे थे, ठीक है? हमने मॉडल स्टार्ट कर दिए थे और तीन चार क्लासेस हो गई हमारी. तो नेक्स्ट हमने जो मॉडल पढ़े हैं, कैन है, कुड है, मे है, माइट, चार मॉडल हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट मॉडल है वो है शुड, ठीक है? तो शुड क्या है? शुड जो मॉडल है वो क्या है? शुड से ही हमें जैसे किसी इन हिंदी सेंस चाहिए, है ना? तो उसमें हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं, सजेशन देखते हैं, किसी को एडवाइस, सलाह या सुझाव देने के अकॉर्डिंग हम शुड मॉडल का यूज़ करते हैं. जैसे शुड इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, यानी शुड मॉडल को इन सेंटेंस क्या एक्सप्रेशन होगा? एडवाइस. आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, तो वहाँ पे हम शुड मॉडल का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में. सजेशन, आप सजेशन दे रहे हो किसी को कि भाई तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, सजेशन दे रहे हो आप अपनी तरफ से, पर्सनल सजेशन दे रहे हो, तो वहाँ पर आप शुड मॉडल का यूज़ करेंगे. ड्यूटी, अगर आप किसी व्यक्ति को उसके कर्तव्य के बारे में अवगत करवा रहे हो, उसके ड्यूटी के बारे में आप उसको अवेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे भी हम शुड मॉडल का यूज़ करेंगे. प्रोबेबिलिटी मतलब ये भी है कि आप जैसे संभावना या ऐसे किसी चीज़ के लिए आप उसको बोलते हो, है ना, ये वो भी एडवाइस सजेशन इसमें आता है ये, तो वहाँ पे हम शुड मॉडल का यूज़ करेंगे. ये तो इसके यूजेस हैं कि हाउ कैन वी यूज़ शुड इन सेंटेंस एंड व्हाट एक्सप्रेशन ही शी अदर पर्सन एक्सप्रेस, ठीक है? और इट इज़ ए पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, और हमें ये भी पता है कि ये शैल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और शैल हमारा मॉडल भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, उसकी क्या ये पास्ट फॉर्म है. तो अब इसके यूजेस हैं, उसके एक्सप्रेशन हैं कि हम सेंटेंस में उसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं. फर्स्ट है टू एक्सप्रेस एडवाइस सजेशन. जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, तो वहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे? जैसे वी शुड टेक बाथ डेली. अब हम दूसरों को ये बता रहे हैं कि हमें रोज़ाना बाथ लेनी चाहिए या रोज़ाना हमें नहाना चाहिए, तो ये हमारी एडवाइस है दूसरों के लिए. व्हाट इज़ ए डेंजरस प्लेस ही शुड नो गो देयर. मान लो कहीं कोई दूसरा पर्सन है, आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, वो ऐसी जगह पे जा रहा है जिसके बारे में आपको नॉलेज है कि वो जगह उसके लिए सेफ़ नहीं है, तो वहाँ पे अगर आप उसको सुझाव दे रहे हैं कि भाई तू मत जा वहाँ पर, तो वहाँ पे भी हम उसको यूज़ करते हैं. व्हाट दैट इज़ ए डेंजरस प्लेस, कि वो खतरनाक स्थान, खतरनाक जगह है, मतलब आप उसके बारे में जानते हो. ही शुड नॉट गो देयर, है ना, कि उसको वहाँ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज द प्लेस वॉज वेरी डेंजरस. तो आप उसको एज ए सजेशन उसको बता रहे हो कि यू शुड नॉट गो देयर, तो वहाँ पर भी हम शुड मॉडल का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है इसका टू एक्सप्रेस ड्यूटी, कर्तव्य एक्सप्रेस करने के लिए, खुद का कर्तव्य बताने के लिए, दूसरे को उसके कर्तव्य के प्रति अवगत कराने के लिए भी हम शुड मॉडल का यूज़ करेंगे. वी शुड ओबे द एल्डर्स. अब जैसे कोई बच्चा है, वो दूसरों बड़ों के आदर नहीं करते, अच्छे से बात नहीं करते अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, तो आप उसको उसकी ड्यूटी के प्रति अवेयर कर सकते हो, आप शुड मॉडल का यूज़ करेंगे. वी शुड ओबे द एल्डर्स, कि हमें हमारे बड़ों की आज्ञा की पालना करनी चाहिए. वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये बताना चाहिए बच्चों को, ये बोलना चाहिए, बच्चा झूठ बोले उसको ये बोलना चाहिए कि वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. तो इस तरह से कई चीज़ें हैं. वी शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर पर्सन, है ना, कई चीज़ें ऐसे हैं. वी शुड ऑलवेज फॉलो द स्कूल रूल्स वगैरह, ये सब उसमें हम बता सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पर्पस. इनके अलावा शुड मॉडल का हम पर्पस, उद्देश्य व्यक्त करने के लिए भी शुड मॉडल का यूज़ करेंगे. व्हेन लेस्ट कंजक्शन इज़ यूज, यू नो दैट लेस्ट इज़ ए कंजक्शन. हमने कंजक्शन पढ़ा है 8th में, जिसमें लेस्ट हालांकि आपके नहीं है, लेकिन कंजक्शन लेस्ट है. अगर किसी वाक्य में लेस्ट दे रखा हो, जो कि लेस्ट क्या है, एक क्या है, कंजक्शन है, इज़ यूज इन द सेंटेंस, तो अगर सेंटेंस में लेस दे रखा है, तो वहाँ पे आप श्योरली ही शुड मॉडल का यूज़ करेंगे. वॉक केयरफुल लेस यू शुड फेल, कि सावधानीपूर्वक चलो, नहीं तो आप गिर सकते हो या आप गिर जाओगे. वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल, है ना, कड़ी मेहनत करो, नहीं तो आप फेल हो जाओगे या आप फेल हो सकते हो. तो जो मेन इसके जो एक्सप्रेशन वो क्या है, एडवाइस, सजेशन,
ड्यूटी, जो तीन ये मेन है। और पर्पस कब होगा, जब आप लेस्ट मॉडल, अगर आप सेंटेंस में लेस्ट देखते हो तो आप बिना देखे आंख बंद करके आप वहाँ पे शुड मॉडल फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो शुड मॉडल ये है, नेक्स्ट मॉडल हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट क्लास में बताना। ओके, थैंक यू।